नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ। ये कुलहान को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाजपा 14 में इस बार जो पहले उसके लिए दिक्कत थी, इस बार कम से कम 3-4 तक जा सकती है, 4 या 5 तक चंपई सुरन के आने के बाद। लेकिन उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जयराम महतो का ऐसा दावा है कि उनका कम से कम 5 और 6 सीट पर। तो क्या ये लग रहा है कि कोल्हान में जयराम महतो पहले ही दफा में इस तरह से 6 सीट भाजपा के लिए, तो मान लीजिए कि 4 सीट कही जा रही है, तो चंपई सुरन आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ सुविधा हो सकती है, लेकिन जयराम महतो के लिए आपको क्या लग रहा है? देखिये, जयराम महतो भी कह रहे हैं तो उनका भी जो जातीय आधार है वही आधार है, ठीक है ना। और कुछ ही आधार है जो तटस्थ लोग हैं जो आ जाएंगे, जो भाजपा से भी संतुष्ट नहीं है और जो जेएमएम से भी नहीं है, ठीक है। और जो बदली परिस्थिति है, जो चंपई सोरेन भी इधर आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन आ गए हैं तो सब लोग तो उधर से उनके साथ भाजपा में आ गए, ऐसी भी बात नहीं है। उनका भी वोट पिता, और जो जीत रहे हैं तो झारखंड में जो है संथाली और बाहरी उरी का भी चक्कर है, यहाँ वो है, उनका अपना वर्चस्व का हिसाब किताब है, संथाली आदिवासी है उनका है, भूमिज है उनका है, तरह तरह का है, और अलग अलग सीट पर अलग अलग है। अब देखिए कि संथाली होते हैं, क्या नाम है, चंपई सोरेन, ठीक है ना, संथाल आदिवासी। अब कोरा को देखिएगा तो हो आदिवासी जो यहाँ भाजपा में ही है। आप देखिएगा कि यहाँ पोटका इलाका में जो है तो भूमिज लोग हैं जिनका सरदार टाइटिल होता है, ठीक है ना, तो उन लोगों का वर्चस्व है क्षेत्र में। अभी भी चाहे उससे पहले जीते हो, जो बीजेपी से लगातार में इनका सरदार जीतती रही थी, या फिर अभी जेएमएम से जीता हुआ संजीव सरदार, संजीव सरदार यंग लड़का, ठीक है ना, मैंने अप्रत्याशित रूप से जीत हुई थी, तो वहां इन सब सीटों पर जो है कुर्मी मत भी निर्णायक है। तो अब इस जो परिस्थितियां बदली है, क्योंकि भाजपा से भी कुर्मी मतों की नाराजगी है, तो कुर्मी मतों से नाराजगी है तो किसी न किसी रूप में उधर जेएमएम में भी कुछ छिटकता था, जैसे चंपई सोरेन इन लोग तमाम। अब चूंकि भाजपा में आ गए हैं तो वह वोट जो है फिर विकल्प तलाश रही है, ठीक है ना, वो चाह रही है कि हम चंपई सोरेन को देते लेकिन जेएमएम में रहते तब, तो ठीक है ना, तो उनको नहीं देगा तो भाजपा को नहीं देगा, तो विकल्प देख रहा, विकल्प तो आशु भी रहता है जो उम्मीदवार रहता है, तो चूंकि सब सीट पर तो आशु यहाँ होना नहीं है, इनको तो आजादी है, तो उस तरीके की बात है। अब सीट की जब बात करेंगे क्षेत्रवार आएंगे, तो आप चलिए उड़ीसा के सीमा से सटी तो बहरा गोरा सीट जो है वहाँ, वो कुर्मी बहुल वहाँ निर्णायक, वहाँ उड़िया भाषी भी है, उड़िया उड़िया लोग, सटा हुआ उड़ीसा से, बंगाल से भी सटता है, तो वहाँ उड़िया भाषी भी निर्णायक है और कुर्मी लोग भी निर्णायक। तो वहाँ अमूमन देखिएगा कि जो वहाँ जीतते रहे हैं वो जो है सीपीआई का गढ़ रहा है, ठीक है, देवी दत्त, क्या बंदोपाध्याय नाम था, मैंने बंगाली होंगे या उड़िया होंगे, मैंने बहुत ध्यान में नहीं, बुजुर्ग आदमी तो लगातार जीतते हैं, तो उनके वर्चस्व को तोड़ा दिनेश सारंगी ने, जो दिनेश सारंगी भाजपा के टिकट पर जीते थे, वो बाद में झारखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री भी हुए, बाद में राहें जुदा हो गई, फिर अपने विभिन्न रूपों से वो सक्रिय है, पेशे से डॉक्टर हैं, मैडम भी उनकी डॉक्टर है। उनको हराया कौन बाद के दिनों में जब स्थिति बदली, ठीक है, पार्टी छोड़ दिए, जेबीएम में चले गए, तो भाजपा ने जो भाजपा बोले वहां जो जेएमएम ने जो उम्मीदवार उतारा वो वहां का स्थानीय उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उम्मीदवार कुर्मी था, वो जमशेदपुर से गया, उसका नाम था विद्युत बरन महतो। तो चूंकि कुर्मी महतो कुर्मी वोट निर्णायक है वहां, और उनसे जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी और इधर बैलेंस हुआ, और वो जेएमएम में रहे हुए जेएमएम से जीते थे पहली बार विद्युत बरन महतो, तो कुर्मी वोट मजबूती से जब शिफ्ट हुआ तो जीत गए वहां पर, तो उनका वर्चस्व टूटा। बाद में विद्युत बरन महतो भाजपा में आ गए, उनको सांसद का टिकट मिला, ठीक है, जमशेदपुर से वो सांसद होने लगे, तो भाजपा वहां जब जेएमएम में सीट खाली हुआ तो जेएमएम ने किसको चुना, तो कुणाल सारंगी को चुना, तो कुणाल सारंगी कौन, दिनेश सारंगी के पुत्र जो भाजपा वाले, तब फिर उड़िया का हुआ तो वहां कुर्मी बनाम हुआ, उड़िया हुआ, गुलबंदी हुई तो जीत गए। पिछले चुनाव में पाला बदल के ये आ गए हैं,
भाजपा में कुणाल सारंगी, तो जेएमएम ने किसको दिया, तो मोहंती को, उड़िया को टिकट दे दिया, समीर मोहंती को। समीर मोहंती 10 जगह पलटे हुए, विभिन्न पार्टियों में रहे हुए, तो वो विभिन्न पार्टियों में थे बावजूद इसके गोलबंदी हुई। तो वहां कुर्मी निर्णायक है, एक उदाहरण दिया। अब घाटशिला उसके बगल में आ जाइए, वहां भी कुर्मी वोट निर्णायक है, और वहां जो वोटिंग पैटर्न है ना, वो शहरी बनाम ग्रामीण होता, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का भी मामला होता। उसके बगल में पोटका का गिना दिए, तो पोटका पर अभी यानी तीनों सीट अभी जेएमएम के कब्जे में आ रहे, तीसरा भी जो जेएमएम है, तो वहां संजीव सरदार, मेनका सरदार लंबे समय तक विधायक रहे, 3-4 टर्म लगातार जीत रही थी, उनकी निष्क्रियता भी थी, एक ही चेहरा देखते देखते आदमी उब चुका था, तो वहां संजीव सरदार। और संजीव सरदार जेएमएम के वोट से नहीं जीते, जेएमएम का वोट तो उनको मिला ही। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो का असर पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल है कि क्या, चूंकि कोयलांचल में की 25 सीट पर जो है वो जयराम महतो की पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, और उनका चूंकि आंदोलन का वो क्षेत्र भी रहा है, और लोकसभा चुनाव में भी ठीक है कि लगभग प्रत्याशी उनके इसी क्षेत्र से थे, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोयलांचल में तो ठीक है, इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कोल्हान में भी कहीं ना कहीं ये एक टक्कर देने की स्थिति में है? छोटा जवाब। हाँ, कोल्हान में कहे ना कि वही जो समीकरण जो बन रहा है ना, तो उसमें तो स्थिति है ही। हम तो कहे कि अगर यहाँ सही तरीके से लड़े, हम तो 3 सीट गिनाए थे, उसके बाद जो सलाई भी गिना दे रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी में भी पर्चो से, लेकिन पूर्वी का जो गोलबंदी होता है तो दूसरे हिसाब से, तो जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिम में जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जुगसलाई में हो सकता है, सरायकेला में हो सकता है, आपको बहरा गोरा में आजमा सकते हैं, घाटशिला में हम जीत की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत टक्कर हम की लोग लड़ाई हो आपसे ही सकती है। आगे भी इस पर बातचीत करेंगे, फिलहाल जो आपने समय जी निकाला उसके लिए नमस्कार।